ग्रामीण विकास के लिए आप सभी लोग मुझे पुकार रहे थे। ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवेश के चौथे एपिसोड के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। इससे पहले हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण एपिसोड खत्म किए थे और उन एपिसोड्स में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था, समझा था। आज चौथे एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों का कुशल क्षेम पूछना चाहता हूं, आप सभी लोग कैसे हैं? जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए मैं लगभग 44 नंबर के पोर्शन को आपको स्वयं कवर कराऊंगा, उसमें से 25 नंबर का पोर्शन आपका महत्वपूर्ण केवल ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवेश से है। इस विषय को अपना एक अलग तरीके से आपको समझना है, एक अलग तरीके से जानना है। मैं आपको एक ग्राफिकल तरीके से पूरा विषय इसको पढ़ा रहा हूं और आपको चीजें अच्छे से याद भी हो रही है। और सफलता हमारी तब है जब 25 में से 25 प्रश्न हम लोग यहां से हल करें और बाजार से हमें एक भी सामग्री ना खरीदनी पड़े। तो ज्यादा बात ना करते हुए आज हम लोग इस प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले संस्था की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। लेखपाल के बैच में बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया है, जैसे कि मैंने आपको सूचना दी थी। अभी भी हमारी एडमिशन प्रक्रिया खुली हुई है। जो लोग बचे हुए हैं वो निश्चित रूप से पूरी विश्वसनीयता के साथ प्रवेश सुनिश्चित करा सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको एंट्री लेखपाल लिखकर भेजना है। यह नीचे जो प्रक्रिया चल रही है, जो फोन नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इन फोन नंबर्स पे भी आप जो है वो कॉल करके किसी भी संदेह के लिए अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। आइए कुछ प्रासंगिक लाइनों के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सुना है समुन्दर को आज खुद पर गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। चुनौतियों को स्वीकार करना सीखना ही होगा। मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई अध्ययन में कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत कठिन लगती हैं, हम उन्हें स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो कठिन विषय वस्तु है उसकी चुनौतियों को स्वीकार करना है। दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रबल विश्वास के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे, उन चुनौतियों को स्वीकार करेंगे, बार बार उनको पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन सफलता हमें मिलेगी। और यह वही समय चल रहा है कि थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देखिए और देखिए कि पिछले समय में जो कमियां रह गई हो उन कमियों को आपको दोहराना नहीं है। यहां जब मैं आपसे क्लास में इंटरेक्ट कर रहा हूं तो मैं पूरे ग्राफिकल ऑर्डर में आपको पढ़ा रहा हूं। जब क्लास खत्म हो जाए तो आप भी कोशिश करिएगा कि जितने ग्राफिकल ऑर्डर में मैंने आपको चीजें बताई हैं उसी तरह से आप भी एक ब्लैंक पेपर पर उसको ड्रॉ करें। विश्वास मानिए, जब आप परीक्षा में जाएंगे तो ग्रामीण विकास और परिवेश आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही 25 पन्ना आप अगर एक एक बार देख लेंगे तो 2500 के 2500 प्रश्न सही होंगे। ना तो बाजार से एक मैगजीन लेने की जरूरत है और ना ही कोई किताब खरीदने की जरूरत है। इससे पहले के वीडियो में यदि हम लोग देखें तो कृषि से संबंधित सभी पक्षों पर मैंने आपसे बात की थी। एक तरह से देखें तो वो कृषि का मास्टर वीडियो था। ग्रामीण विकास और परिवेश में कृषि के जितने भी प्रश्न हैं वो उसी वीडियो से आपको मिलेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। जैसे आज के टॉपिक अगर हम लोग देखें तो पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन पहला टॉपिक हम लोगों ने लिया है। इसके बाद 20वीं पशुधन गणना एवं पशुधन विकास। हम जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पशुगणना होती है और इस समय 20वीं पशुगणना के जो आंकड़े हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गाय पालन, जो हमारे प्रमुख पशु हैं, गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन। सबसे महत्वपूर्ण है इन चारों के बाद मत्स्य पालन, जिसको हम पहले ही लिख चुके हैं। तो 5 तरह के जो हमें ये पशु हैं इनके पालन पर बात करनी है और मत्स्य पालन पर भी हमें बात करनी है। इसके बाद फिर प्रत्येक पशु की एक गर्भावधि सारणी होती है, जहां से निश्चित रूप से आपसे प्रश्न मिलते हैं, इस पर बात करेंगे। पशुओं से संबंधित जो प्रमुख रोग हैं उन पर भी हम लोगों को बात करनी है। पशुओं की उम्र ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। पिछली बार जब अधीनस्थ ने वीडियो का पेपर लिया था तो यहां से आपके प्रश्न बने थे। उन दोनों ही विधियों को मैं बिल्कुल सटीक तरीके से आपको समझाऊंगा, बहुत आसानी से 2-2 लाइन में हम लोग समझ लेंगे। और उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य इन सारे टॉपिक्स से बन रहे हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है एक महत्वपूर्ण सेशन है, आप सभी को पूरे मनोयोग से इसको पढ़ना है। लास्ट तक आप एक एक चीज को पेन डाउन करेंगे, ग्राफ करेंगे, जिससे कि चीजें आपको एक वे में याद होती चले। बहुत सरल भाषा में आपको समझाना प्रारंभ करता हूं। देखिए सभी टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। यदि हम बिल्कुल प्रारंभ से ही इसको समझने की कोशिश करें तो मैंने इसके लिए एक ग्राफ बनाया है। अगर हम इस ग्राफ को देखें और मैं लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इसके विकास क्रम को हम आराम से समझ सकते हैं अब तक के, और बहुत आराम से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल प्रारंभ से शुरू हुआ है।
वो ये भारत की वर्तमान की स्थिति है कि जब गरीबों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में जो पशुधन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और पशुधन गणना भी लगातार हो रही है, इसीलिए हो रही है कि पशुओं की वर्तमान स्थितियों को समझा जा सके। यदि हम प्रारंभ से ही देखें, मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही, तो कृषि ही महत्वपूर्ण नहीं रही है, बल्कि कृषि के साथ साथ यदि हम लोग देखते हैं तो सभ्यता के प्रारंभ से ही पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विकास मानव जीवन का एक अभिन्न अंग रही है। क्यों रही है? जलवायु और स्थलाकृति की अनुकूलता के कारण पशुपालन, डेयरी विकास, मत्स्य पालन ने भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। जलवायु स्थलाकृति की अनुकूलता थी और इनको जो आवश्यक शर्तें चाहिए थी विकास की, वो आवश्यक शर्तें इनको मिली और इनका भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत के पास पशुधन की एक विशाल संपदा है। यदि हम लोग देखें, पशुधन और कृषि प्राचीन काल से ही बिल्कुल अलग नहीं है। वर्तमान समय में देखें तो ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सुधारने में इस पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हम जानते हैं कि 69% से के लगभग जनसंख्या अगर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तो ग्रामीण क्षेत्रों का पूरा जीवन जो है वो कृषि के साथ पशुपालन पर ही निर्भर है और हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। गांव में जो पशुओं की स्थिति है, पशु गांव में पारिवारिक सदस्य के रूप में होते हैं। एक परिवार से उनका जो अटैचमेंट होता है वो बहुत अलग होता है। वहां पे पशुओं को पूज्य के रूप में स्वीकार किया जाता है और गांव में पशुओं के प्रति जो प्रेम दिखता है एक परिवार का, वो अलग दिखता है और वो अलग ही माहौल में पलवर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पशु की हम लोग बात वहां पर करें। अगर हम इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 20वीं पशुधन गणना के आंकड़े को। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में भारत में पशुधन गणना होती है और आप याद रखिएगा, सबसे पहली पशुधन गणना 1920 में हुई थी। 1919 में भारत में सबसे पहली पशुधन गणना हुई थी, 1919 के प्रारंभ से हुई थी और 1920 में समाप्त हुई थी। अब इस समय भारत में 20वीं पशुधन गणना हुई है और 20वीं पशुधन गणना के आंकड़ों को हम लोगों को एनालाइज करना है, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो एक एक करके सारे आंकड़ों को यहां पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पशुधन गणना 2017-18 में जो हुई वो 20वीं है, मैंने क्रम आपको पहले ही बता दिया। के अनुसार, इस गणना के अनुसार अगर हम लोग देखें तो देश में जो कुल पशुधन आबादी है वो 535.78 मिलियन है। ये डाटा आपको याद रखना है बेटा, है ना, मिलियन है। जिसमें पशुधन गणना 2012 की तुलना में, इससे पहले पशुधन गणना 2012 में हुई थी उसकी तुलना में 4.6% की वृद्धि हुई। तो ये दोनों ही आंकड़े आपके लिए जरूरी है। यदि हम संख्यात्मक मान के आधार पर देखें तो 535.78 मिलियन आज है और 2012 की तुलना में यदि हम प्रतिशत वृद्धि को देखने की कोशिश करें तो 4.6% की वृद्धि यहां पर हुई है। अब दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा, पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि, 23% की वृद्धि हुई है। तो अगर देखा जाए कि भारत के किस राज्य में 20वीं पशुधन गणना के आधार पर पशुओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है तो 23% की वृद्धि हुई है, कहां पे? पश्चिम बंगाल में। ये सभी मैं प्रश्न आपसे अलग अलग डिस्कस कर रहा हूं। और दूसरे स्थान पर तेलंगाना रहा 22% के साथ, तो ज्यादा अंतर नहीं है। 23% के साथ पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर तेलंगाना है 22% के साथ। यहां पर आपको एक जगह कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो आपसे कुल पशुधन पूछा जाता है और दूसरा आपसे मवेशियों की संख्या पूछी जाती है। ये दोनों अलग अलग आंकड़े हैं। तो यहां पर अब आते हैं, देश में कुल मवेशियों की संख्या में 0.8% की वृद्धि हुई। अब देखिए, दोनों को अलग कर लीजिए, 4.6% की वृद्धि हुई पशुधन में, है ना, पशुधन में वृद्धि हुई, लेकिन मवेशियों की संख्या में जो वृद्धि है वो 0.8% की वृद्धि हुई। और देखिए, सबसे ज्यादा मवेशियों की संख्या में अगर कमी देखी गई तो वो उत्तर प्रदेश में देखी गई और सबसे ज्यादा मवेशियों की संख्या में यदि वृद्धि देखी गई तो वो पश्चिम बंगाल में देखी गई। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 20वीं पशुधन गणना के आधार पर सबसे ज्यादा मवेशियों की संख्या में वृद्धि कहां पे हुई तो पश्चिम बंगाल में हुई और सर्वाधिक कमी कहां पे हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि 2012 की पशुधन गणना से और अगर हम 19वीं पशुधन गणना की तुलना में 20वीं पशुधन गणना में मवेशियों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो आपका उत्तर होगा 0.8%। और अगर पूछा जाए कि पशुधन गणना में पशुओं की संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई तो आपका उत्तर होगा 4.6%। आगे बढ़ते हैं,
पशुधन के क्षेत्र में सतत विकास और दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2014-15 में, इस समय हम सभी लोग जानते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 2014-15 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पशुधन मिशन और गोकुल ग्राम की स्थापना की गई। दो बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पशुधन मिशन और गोकुल ग्राम दोनों की ही स्थापना की गई। ऐसे ही ग्राफिकल ऑर्डर में आपको भी ड्रॉ कर करके याद करते चलना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आगे देखिए, पशुधन विकास की बात करें, देखिए पहले कुछ संस्थानों की बात कर लेते हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है, तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, मैसूर में है। इस संस्थान ने ग्रीन मिल्क का विकास किया है, आपसे पूछा जा चुका है अधीनस्थ के ही पेपर में प्रश्न, जब वीडियो का पेपर हुआ था। इस संस्थान ने ग्रीन मिल्क का विकास किया है, इसका रंग दूध की तरह बिल्कुल सफेद होता है, यह प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है लेकिन प्राकृतिक दूध जैसा ही होता है, और जो गुण प्राकृतिक दूध में आपके होते हैं वही सभी गुण इस दूध में भी पाए जाते हैं, इसको ग्रीन मिल्क कहा गया है। और इसका निर्माण किसने किया है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। तो पहली बात तो ये कहां स्थित है ये याद रखना है, और ग्रीन मिल्क का इसने निर्माण किया है यह भी याद रखना है, जिसका रंग हरा नहीं है, जिस दूध का, उस दूध का रंग भी कैसा है आपका, दूध की तरह सफेद ही है। आगे बढ़ते हैं, देश का पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट महाराष्ट्र के बिरार क्षेत्र में स्थापित किया गया है। पूरे प्लांट में मानव का कोई कार्य ही नहीं है, टोटल जो चीजें हैं वो मशीनरी आधारित है और वो रोबोटिक फॉर्म में ही चलती हैं। भारत में तकनीकी विकास हो रहा है, इस क्षेत्र में लगातार भारत विकास कर रहा है, और देश का पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट महाराष्ट्र के विरार क्षेत्र में स्थापित किया गया है, यह पूर्ण रूप से रोबोटिक प्रक्रिया पर आधारित है। एक शब्द आपसे पूछा गया था पीसीएस के पेपर में, स्टॉक फार्मिंग किसे कहते हैं या स्टॉक फार्मिंग का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा, पशुओं के प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग की संज्ञा दी जाती है, पशुओं के प्रजनन को ही स्टॉक फार्मिंग की संज्ञा दी जाती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्टॉक फार्मिंग का संबंध किससे है, तो पशुओं के प्रजनन को ही स्टॉक फार्मिंग की संज्ञा दी जाती है, आपको ये याद रखना है। अब हम इसी के अगले अगर हिस्से की बात करें तो देखिए, सबसे पहले 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में देश का प्रथम मिलिट्री डेयरी फॉर्म स्थापित किया गया। तो आपसे पूछा जाता है कि देश का पहला डेयरी फॉर्म कहां स्थापित किया गया, तो देश का पहला डेयरी फॉर्म 1889 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया, मिलिट्री डेयरी फॉर्म, है ना। आज देश में अगर हम लोग देखें तो सात प्रमुख केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र है, सूरतगढ़ राजस्थान में है, हाँ चिपलीमा और सुनवेड़ा उड़ीसा में है, सूरतगढ़ कहां पे है राजस्थान में है, चिपलीमा और सुनवेड़ा उड़ीसा में है, धमरोड़ गुजरात में है, हैसरघट्टा कर्नाटक में है, अलमाड़ी तमिलनाडु में है, और अंदेश नगर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अंदेश नगर है, इसको आप याद रखिएगा। टोटल कितने हैं, सात। अब आप देखिए ऐसे मत पढ़िएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही दिए हैं, नहीं यहां पर 2 दे दिए हैं, तो इनकी काउंटिंग 2 में करिएगा, तो टोटल कितने हो गए बताइए, 7 हो गए। नहीं तो नीचे कुछ लोग कमेंट लिख देंगे, सर आपने तो 7 बोले, यहां पर तो 6 ही है, जैसे अन्य वीडियो में आप लोग कर रहे हैं। तो कंटेंट को ध्यान से देखने की जरूरत है, 7 ये प्रमुख है और आपसे मिलान करने के लिए आते हैं, एक पेज पर लिखकर इनको अच्छे से कोड बना लीजिए, इनका मिलान कर लीजिए ताकि इससे आप भूले नहीं। ये पहला है और इसके बाद इस समय वर्तमान में कितने हैं बताइए, 7 हैं, है ना। देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किसानों के लिए पशु पोषण मोबाइल ऐप जारी किया है। पशु पोषण मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, किसानों को पशु पोषण से जोड़ा है, मतलब किसानों के लिए ये ऐप है ताकि पशुओं को कितना भोजन चाहिए, कितनी मात्रा में कौन सा भोजन चाहिए, कब उनकी गर्भावस्था के समय में उनको कौन सा भोजन उपयुक्त रहेगा, जब वो फीडिंग कर रहे हैं, जब वो दूध दे रहे हैं आपको, तब उस समय वो कौन सा भोजन सबसे उपयुक्त रहेगा, इन सब की जानकारी
पशु पोषण जो मोबाइल ऐप पर आधारित है, जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के किसान हैं, जो डेयरी फार्म चलाते हैं, जिनके पास जिनका बिजनेस जो है वो डेयरी के रूप में है या वो इसी जीविका पर आधारित है, इसी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, तो सरकार ने सुविधाएं दी है और यहाँ से वो पूरी जानकारी लेते हैं। जैसे पंजाब में आपने देखा पशुपालन बहुत ज्यादा होता है, कई लोग डेयरी उद्योग पर ही आधारित है, डेयरी विकास पर ही आधारित है, डेयरी विकास से उनकी जीविका चल रही है, वहां पर उनको नई नई जानकारियों की हमेशा जरूरत होती है। तो पशु आहार संतुलन की आवश्यकता के बारे में पूरी जानकारी देता है पशु पोषण ऐप, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किसानों के लिए इसको जारी किया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले गाय पालन, दूसरा भैंस पालन, तीसरा बकरी पालन, चौथा भेड़ पालन और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य पालन। एक एक करके इसको देखते हैं और इससे संबंधित देखिए बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि आप कृषि नहीं पढ़ रहे, एग्रीकल्चर नहीं पढ़ रहे, लेकिन जितना जरूरी है उतना मैंने लिखा है और मैं वादा करता हूं कि उससे बाहर नहीं आएगा, मेरी बात मानिएगा, बहुत परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं जो चीजें आपको बताता हूं बहुत जेन्युइन बताता हूं। और आज आप देख रहे हैं एक संस्कृति होती है जिसको हम लोग कहते हैं कल्चर ऑफ कॉन्कर। जब यहां पर आपके संस्थान ने ग्रामीण विकास शुरू किया तो ऑनलाइन बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसी तरह से ग्रामीण विकास पढ़ा रहे हैं, इसी सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, इन्हीं चीजों को ले रहे हैं, जबकि शब्द भी नहीं बदल रहा है। कल्चर ऑफ कॉन्कर, आपके संस्थान ने हमेशा रिसर्च किया है और आपके संस्थान के नोट से हमेशा पूरे पूरे प्रश्न आए हैं, तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, बल्कि पूरी ऊर्जा से इतने ही मैटर को तैयार करने की कोशिश करिए, क्योंकि 25 में से 25 हमें वहां पर अर्जित करने ही करने हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आइए तो देखिए, सबसे पहले गाय पालन से शुरुआत करते हैं। देखिए भारत गाय एवं भैंसों की संख्या की दृष्टि से विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। यहां विश्व की कुल पशु संख्या का लगभग 25% पशु पाए जाते हैं, है ना। तो गाय और भैंसों की संख्या में अगर हम लोग देखें तो हमारा विश्व में पहला स्थान है, और लगभग कुल अगर संख्या का देखें तो 25% पशु हमारे यहां पाए जाते हैं, पाए भी जाने चाहिए क्योंकि हम आबादी में विश्व में दूसरे नंबर पर है, तो पशुओं की आबादी का 1/4 केवल भारत में ही पाया जाता है। अब देखिए कुछ नीतियों पर बात करते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्धता है वो 154 ग्राम है इस समय। यहां से आपको डाटा क्लियर रखना है, आपसे प्रश्न पूछे जाएगा। 154 ग्राम उपलब्धता इस समय है, जबकि मानक रूप से उपलब्धता 280 ग्राम होनी चाहिए। मतलब अभी भी हमें पशुधन प्रसार में और विकास में बहुत कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि जो मानक उपलब्धता हमारे दूध की है हमारे शरीर के हिसाब से वो अभी भी भारत में उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध कितनी है? 154 ग्राम, और हमें प्रति व्यक्ति चाहिए कितनी है? 280 ग्राम। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, मैं प्रश्न आपसे यहीं डिस्कस कर रहा हूं। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, हम लगातार इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति कब लाए थे? 1964-65 में। आज नहीं, हम 64-65 के समय में से ही अपने पशुधन पर लगातार कार्य कर रहे हैं। हम पशुधन के क्षेत्र, पशुधन के विकास में, पशुधन क्षेत्र के विकास में लगातार काम कर रहे हैं। तो श्वेत क्रांति हम इसके लिए लाए थे 1964-65 में, और ऑपरेशन फ्लड हम लाए थे 1970 में। इनके सन आपसे पूछे जाते हैं कि श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1964-65 में, और ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 में। तो यहां पर आपको याद रखना है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए, प्रथम स्थान है। गाय के बारे में इस बेसिक जानकारी के बाद आइए अब गाय की नस्लों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है, यहां से एक प्रश्न आपका बनता है। तो देखिए साहीवाल और लाल सिंधी, ये दोनों भारत के पंजाब में पाई जाती हैं। तो यहां पर हम भारत की गाय की प्रमुख नस्लें जो हमारे यहां पाई जाती हैं उनकी भी चर्चा कर रहे हैं, और कौन सी नस्ल किस राज्य में पाई जाती है हम इसकी भी चर्चा कर रहे हैं, और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की भी चर्चा कर रहे हैं। गाय को हमारे यहां माता का दर्जा दिया गया है, आप सभी लोग जानते हैं, और गाय हमारा एक पूज्य जानवर है, हम सभी लोगों की श्रद्धा भी उसके प्रति है। तो यहां पर देखिए पंजाब में साहीवाल और लाल सिंधी दो तरह की गाय की नस्लें पाई जाती हैं। द्विकाजी गाय की जो नस्ल होती है वो पाई जाती है हरियाणा में, है ना। एक्स थापरकर और कांकरेज जो नस्ल होती है वो गुजरात के कच्छ में और महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो हम लोगों ने लिखा है गुजरात और महाराष्ट्र, है ना।
अब देखिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से चार तरह की नस्लें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जर्सी। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो नस्ल पाई जाती है गाय की वो नस्ल है जर्सी। रेखीगढ़ एक और नस्ल उत्तर प्रदेश में पाई जाती है जिसकी लगभग संख्या आपकी जर्सी के बराबर ही है। अगर जर्सी ऑप्शन में नहीं है तो रेखीगढ़ सही होगा, और अगर जर्सी और रेखीगढ़ दोनों ऑप्शन में है तो निश्चित रूप से जर्सी ही सही होगा, है ना। अमृतमही भी एक है और गंगा तीरी भी है। तो सबसे ज्यादा जर्सी पाई जाती है या जर्सी के साथ रेखीगढ़, इन दोनों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अगर ऑप्शन में दोनों है तो आपका जर्सी सही होगा, फिर अमृतमही पाई जाती है और फिर गंगा तीरी पाई जाती है। क्लियर। तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली गाय की प्रमुख नस्लें हैं। भारत में गाय की कुछ विदेशी नस्लें भी पाई जाती हैं, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में, कुछ बड़े किसानों के पास देखी जाती है। गरनसी और आयरशायर, गरनसी और आयरशायर गाय की दो ऐसी नस्लें हैं जो विदेशी नस्लें हैं, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में बड़े किसानों के पास देखने को मिल जाती है। आइए यदि हम भैंस की प्रमुख नस्लों की बात करें तो भैंस की प्रमुख नस्लों में देखिए मुर्रा भैंस जो है वो हरियाणा में पाई जाती है। मुर्रा भैंस के बारे में हम लोग सुनते हैं, लगभग प्रत्येक प्रदेश में जो अच्छे किसान हैं उनके पास मुर्रा भैंस होती है। शारीरिक रूप से इसका शरीर अन्य भैंसों की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है, दूध भी ये ज्यादा देती है और थोड़ी सी बेडोल शरीर की ये होती है। सबसे ज्यादा प्रमुख मात्रा में ये भैंस जो पाई जाती है वो हरियाणा में पाई जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण भैंस है वो है जाफराबादी, ये गुजरात में पाई जाती है। तो ये तीनों ही भैंसों की जो नस्लें हैं प्रमुख रूप से गुजरात में पाई जाती हैं, जाफराबादी, महसाना और सूरती। जाफराबादी, महसाना और सूरती ये कहां पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है तीनों। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख भैंस है वो कौन सी पाई जाती है? आपकी भदावरी। जो सबसे प्रमुख नस्ल है भैंस की वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है भदावरी। यहां पर मैं एक तथ्य और आपको बताना चाहूंगा, यहां पर एक और गाय होती है जिसको हम कहते हैं कृष्णक। कृष्णक गाय उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र में पाई जाती है, मथुरा और वृंदावन के क्षेत्र में पाई जाती है। यह माना जाता है कि इनका जो रंग है वह सफेद के साथ हल्का नीला होता है और उस जलवायु में पलने और बढ़ने के कारण ऐसी धार्मिक मान्यता है लोगों के बीच, इनका ऐसा रंग हो जाता है और इस प्रकार की गाय केवल उसी जलवायु में ही आपको मिलती है। इसको हम लोग कहते हैं कृष्णक गाय। भैंस के बारे में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश में भैंस की प्रमुख नस्ल के बारे में बात की जाए तो हम इसको क्या कहते हैं? भदावरी। आगे अगर हम लोग देखें भेड़ की प्रमुख नस्ल, तो देखिए भेड़ में बहुत ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। भाकरवाल जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। गुरेज जो भेड़ की नस्ल है वो भी जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। लोही जो है वो हरियाणा में पाई जाती है और लोही से हमेशा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जालौनी जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बीकानेरी नाम से ही क्लियर है, राजस्थान। अब देखिए इन दोनों को आपको याद नहीं करना, जालौन उत्तर प्रदेश में एक जगह है, तो जालौनी जो नस्ल है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बीकानेरी जो नस्ल है वो कहां पाई जाती है? राजस्थान में। नेल्लोरी जो नस्ल है एक तरह से विदेशी नस्ल होती है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों में ही भेड़ की नस्ल पाई जाती है। अब यहां से कुछ प्रश्न बनते हैं आसान से, जिनको मैंने अलग किया हुआ है। भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? लोही, ध्यान दीजिएगा, है ना। भारत में सर्वाधिक भेड़ कौन कहां किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। तो अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल तो लोही है, सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में। और भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली जो नस्ल है वो मेरिनो है, यह अंतरराष्ट्रीय डाटा है और ये स्पेन में पाई जाती है। मेरिनो नस्ल ऐसी है जो वैश्विक रूप से भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल है। मेरे ख्याल में करीब 10 परीक्षाओं में ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, है ना। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा डाटा आपको इकट्ठा नहीं करना है, छोटे छोटे डाटा ही पढ़ने हैं। आप लेखपाल की परीक्षा देने में आ रहे हैं, बहुत ऐसी कोई बड़ी परीक्षा नहीं है, लेकिन इस मामले में जरूर बड़ी है कि हम जब पढ़ाई शुरू करें तो हम ये वास्तव में देख लें कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए जीके के 25 प्रश्न हैं, 25 प्रश्न में अगर हम 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के निकाल दें जो मैं आपको तैयार कराऊंगा, तो बचे आपके पास 15। अब 15 में इतिहास से 3 प्रश्न आएंगे, पॉलिटी से 2 प्रश्न आएंगे, और वो जो प्रश्न आएंगे वो आपको खुद भी पता है कितने आएंगे। तो अब हमारी ये गलती है कि हम लेखपाल की परीक्षा के लिए तो तैयारी कर रहे हैं और हम इतिहास, विज्ञान और भूगोल को बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, ये भी सही नहीं है। हम भूगोल को तो फिर भी पढ़ सकते हैं क्योंकि भूगोल का बहुत सारा जो आपका सिलेबस है वो ग्रामीण विकास से जुड़ रहा है ना। लेकिन
पॉलिटी से भी जो प्रश्न आएंगे वो पंचायती राज जो स्थानीय स्वशासन से आएंगे या जो अभी चेंज हुए हैं उनसे आएंगे, उनको मैं करंट में आपको कवर कराऊंगा। तो जो आपके ज्यादा ऐसे क्षेत्र जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं उनकी आपको ज्यादा तैयारी करनी है। जब बैच में हम लोग पढ़ाते हैं तो हम एक एक चीज को आपको फिल्टर करते हैं, बैच के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको उनको पता भी है, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस तरीके की जो परीक्षा होती है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए ये जानना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। मान लीजिए 100% का गोला आपका एक सिलेबस है और उसमें से आपको 20% को ही 100% मानना है, सपोज करिए ये आपका पूरा पाठ्यक्रम है, और इसमें हमको अगर ये मान लें कि इतना पाठ्यक्रम हमारे लिए खराब है बल्कि यही हमारे लेखपाल के लिए हमारे लिए जरूरी है और हम इसी पाठ्यक्रम को अगर 100% मान के तैयारी करें तो हमारी सफलता की दर ज्यादा होगी। यहीं पर टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट कार्य कर रहा है। तो जिन लोगों ने प्रवेश ले लिया वो बहुत प्रेम से पढ़ रहे हैं, जो लोग अभी भी सोच रहे हैं वो संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। बाकी मैं अपने कर्तव्यों का, हमारी टीम अपने कर्तव्यों का निर्वहन आप सभी के लिए इसी प्रकार करती रहेगी। जो सदस्य बैच में बहुत प्रसन्न है वो बहुत आराम से अपनी तैयारी को पूरा कर रहे हैं, अगर बैच के सदस्य देख रहे हैं तो नीचे वो कमेंट भी कर सकते हैं। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए कुछ लोगों को मैंने देखा बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बल्कि बहुत सिलेक्टेड पढ़ने की आवश्यकता है जब आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी करेंगे इसके बाद, क्योंकि ये आपकी सफलता की पहली सीढ़ी हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको कितना पढ़ना है किस एग्जाम के लिए। इस एग्जाम के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं बेटा इतना ही पढ़ना है, आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह है और मेरे बहुत स्नेही है, आपको कभी भी गलत राय नहीं दूंगा। बिल्कुल मोटी मोटी किताबें लेने खरीदने की जरूरत नहीं है, जितना संदीप सर आपको बता रहे हैं और टीचर बता रहे हैं, ग्रामीण विकास में जितना संस्थान में चल रहा है, जो करंट अफेयर्स में हम लोग आपको देंगे उसी पर फोकस रहिएगा, उससे ज्यादा मैटर मत दीजिएगा। सुपर टेट वाले आज भी कहते हैं कि 35 में से सर 34 क्वेश्चन करंट का मिला था, बीओ वाले आज भी कहते हैं, लोअर पीसीएस वाले आज भी कह रहे हैं कि सर पूरा पेपर मिल गया था, बीओ का तो खैर अभी एग्जाम नहीं हुआ, होने वाला है, कोई चिंता नहीं, जब होगा तो वो लोग देखेंगे उसको। तो थोड़ा सा इन चीजों को देखिए, इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए तो संस्थान के नोट से आपको 100% मिला है, इस बार भी ऐसा ही होगा। बकरी की प्रमुख नस्लों के बारे में यदि हम लोग बात करें तो जमुनापारी उत्तर प्रदेश में है ना। देखिए बकरी को गरीबों की गाय भी कहा जाता है ना, बकरी को गरीबों की गाय भी कहा जाता है। जमुनापारी जो है ये उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली नस्ल है, वीतल जो है ये पंजाब में पाई जाने वाली नस्ल है, वरवरी जो है ये भी उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली नस्ल है, पश्मीना जो है वो कश्मीर में पाई जाने वाली नस्ल है, अंगोरा जो है वो भी कश्मीर में। पश्मीना और अंगोरा जो बकरी की नस्ल है ये ऐसी दो नस्लें हैं जिनको व्यावसायिक बकरियां कहा जाता है या बकरियों की व्यावसायिक नस्ल कहा जाता है, क्योंकि इन बकरियों से ऊन प्राप्त होता है। वैसे तो ऊन प्रमुख रूप से भेड़ों से प्राप्त होता है, लेकिन ये दो प्रकार की बकरियां, इनकी शारीरिक बनावट भी ऐसी होती है, इनके रोम या ऐसे होते हैं कि जिनसे भी हमें ऊन प्राप्त होता है, इसलिए इनको व्यावसायिक बकरियां कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पालन सबसे महत्वपूर्ण अगर मेरी नजर में आपके लिए है तो वो मत्स्य पालन है, इसका एक भी डाटा आप नहीं छोड़िएगा, मैं पूरा इसको आपको बताता हूं। वर्तमान समय में भारत में मत्स्य पालन और मछली उत्पाद के क्षेत्र में दुनिया में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। देखिए भारत की स्थिति अगर हम वर्तमान समय में देखें तो दूसरे स्थान पर हम मत्स्य पालन में है और पहले स्थान पर कौन है बताइए, चीन है ना। दूसरी बात, यह नवीन उभरता हुआ क्षेत्र है, प्राथमिक तौर पर लगभग इससे 14.50 मिलियन लोग जुड़े हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हैं और अपनी जीविका इस पर आधारित है और उसको वो इससे यहां से चला रहे हैं। लगभग लगभग कितने इस प्राथमिक क्षेत्र से कितने लोग जुड़े हैं, 14.50 मिलियन लोग जुड़े हैं, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। हालांकि अभी भी भारत कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे स्वादिष्ट मछली जो है वो कौन सी मानी जाती है, रोहू मानी जाती है। मत्स्य उत्पादन की यदि हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन होता है और उसके बाद जो मत्स्य उत्पादन होता है वो कहां पे होता है, आंध्र प्रदेश में। मैं यहां पर स्टार बना रहा हूं, इसके डाटा को मैं अगले पेज पर आपको पहले क्लियर करूंगा फिर आगे बढ़िएगा। अभी इतना याद रख लीजिए,
पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन होता है और उसके बाद मत्स्य उत्पादन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन, कुल मत्स्य उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल। हालांकि ये प्रश्न आपसे तीन तरीके से पूछा जाता है, मैं दो तरीके के प्रश्नों को और आपके सामने डिस्कस करता हूं। पहले इसको समझ लीजिए, भारत का सबसे स्वादिष्ट मछली खान पान के हिसाब से कौन सा माना गया है, रोहू। विश्व में झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, भारत। भारत से निर्यात की जाने वाली सबसे ज्यादा मछली कौन सी है, बताइए, झींगा। तो अगर सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र झींगा मछली का भारत है, तो निश्चित रूप से निर्यात सबसे ज्यादा क्या होगा, भारत से झींगा होगा। अब इस पर बात कर लेते हैं, तो दूसरा स्थान, एक और महत्वपूर्ण डाटा यहां पर क्लियर कर लीजिए। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था लोअर पीसीएस में, मत्स्य पालन हेतु चयनित तालाब में कम से कम कितना पानी होना चाहिए, या मत्स्य पालन हेतु चयनित तालाब में कम से कम पानी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, गहराई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जो तालाब, जो जगह मत्स्य पालन के लिए चयनित की गई है, कम से कम 1 मीटर पानी की गहराई उसमें होनी चाहिए, सतह से 1 मीटर पानी उसमें भरा होना चाहिए। ये एक प्रश्न के रूप में, इसलिए मैंने यहां पर अलग लिख दिया। यहां से कुछ डाटा आपको क्लियर हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो मैंने ये बताया था उसको समझ लीजिए, तीन तरीके से प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाता है। अंतरदेशीय मछली उत्पादन की अगर हम लोग बात करें, तो अंतरदेशीय मछली उत्पादन जो सबसे ज्यादा होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। कितना, अगर हम देखें संख्या, हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है, 34.50 लाख टन होता है। अगर हम समुद्री मछली उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। अगर हम इन दोनों को ही जोड़ दें तो यहां से निकलता है कुल मछली उत्पादन। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, अंतरदेशीय मछली उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है समुद्री मछली उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, गुजरात, 7.01 लाख टन। अगर आपसे पूछा जाए कुल मछली उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, बताइए, पश्चिम बंगाल होगा। अब आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो गया होगा, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्वस्थ हैं, है ना। आप कहां से मुझे देख रहे हैं इसको जरूर लिखा करिए, मैं हमेशा आपके कमेंट्स के इंतजार में रहता हूं। लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं उनको लिखा करिए, सेशंस कैसे लग रहे हैं इसको लिखा करिए, और आप क्या चाहते हैं इसको लिखा करिए। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर किया करें और एक अच्छा कमेंट जरूर छोड़ा करें। आपके कमेंट ही संस्थान की ऊर्जा है और संस्थान की पूरी टीम की ऊर्जा है। मान लीजिए मेरे लिए अगर आपके मन में इतनी मोहब्बत ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन संस्थान के लिए कमेंट जरूर छोड़ा करिए, ताकि संस्थान को निश्चित रूप से ये लगे कि संस्थान जिस दिशा में प्रयास कर रहा है वो एक सही दिशा है ना। और आप अगर इसी तरह से प्रेम संस्थान को देते रहे, निश्चित रूप से मैं इसी तरह आपके सामने आता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बात करते हैं, पशुओं की उम्र ज्ञात करना। देखिए, पशुओं की उम्र ज्ञात करने की दो प्रमुख विधि हैं। यहां से हमेशा एक प्रश्न आपका बन जाता है, ये एक तरीके से मास्टर वीडियो है आपके पशुपालन का। पशुपालन से संबंधित सारी जानकारियां आज ही खत्म करके क्लियर करते हैं, बार बार की झंझट खत्म। देखिए, दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक तो सींग के छल्ले देखकर। तो आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया है कि पशुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए उसके सींग में जो छल्ला डाला जाता है, तो पहला छल्ला कितने वर्ष की उम्र में डाला जाता है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष। तो देखिए, याद रखिएगा, पहला छल्ला 2 वर्ष की उम्र में डाला जाता है, उसके बाद प्रतिवर्ष एक छल्ला डाला जाता है। मतलब पहला छल्ला 2 वर्ष बाद, और उसके बाद प्रति एक वर्ष पर एक एक छल्ला। तो छल्ले की काउंटिंग करके भी हम उम्र ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा सबसे सटीक और वैज्ञानिक तरीका होता है दांत देखकर। एक बात हमेशा मन रखिए अपने मन में, पशुओं के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते, पशुओं के केवल 4 जोड़े ही दांत निकलते हैं, जो केवल निचले वाले जबड़े में ही निकलते हैं। 2 तरह से दांत निकलते हैं, एक को हम कहते हैं अस्थाई दांत और एक को हम कहते हैं स्थाई दांत। पशुओं के दांत को हम कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं, देखिए, हाँ, कृंतक हम लोग कहते हैं, कृंतक दांत कहते हैं, ठीक है। सब मैंने यहां पर लिखा है और जो नोट्स आपको दिया जाएगा उसमें भी लिखा है, पशुओं के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते। दूसरी जो विधि है वो दांत देखकर है, क्लियर। जबकि निचले जबड़े के दांतों को कृंतक दांत कहते हैं। पशुओं के कुल 4 जोड़े दांत एक एक सप्ताह के अंदर निकलते हैं, ये अस्थाई होते हैं। मतलब जो कृंतक दांत होते हैं वो 2 प्रकार से निकलते हैं,
पहले जो एक एक सप्ताह के अंतर पर चार जोड़े दांत निकलते हैं वो अस्थाई दांत होते हैं और उनके बाद फिर स्थाई कृंतक दांत निकलते हैं जो चार प्रकार के होते हैं। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पशुओं के जो कृंतक दांत होते हैं वो कुल कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं और उनका समय भी आपका निर्धारित है, उस समय से ही हम दांत देखकर इनकी उम्र को देखते हैं। जो स्थाई कृंतक दांत होते हैं उनमें पहला होता है केंद्रीय कृंतक। क्या होता है? केंद्रीय कृंतक। और जो केंद्रीय कृंतक है यह निकलता है दो वर्ष में। मैं यहां पर समय भी नोट कर रहा हूं। दूसरा होता है मध्यवर्ती कृंतक, यह निकलता है 3 वर्ष में। पहला क्या हो गया? केंद्रीय कृंतक 2 वर्ष में, मध्यवर्ती कृंतक 3 वर्ष में। फिर होता है पार्श्वीय कृंतक, यह निकलता है 4 वर्ष में। पार्श्वीय कृंतक निकलता है 4 वर्ष में। और फिर होता है कोण कृंतक, यह निकलता है 6 वर्ष में। और इन्हीं वर्षों की गणना से हम आसानी से दूसरी विधि से पशुओं की उम्र की गणना कर सकते हैं। तो पशुओं की उम्र की गणना करने की प्रमुख रूप से दो ही विधियां हैं, एक छल्ले देखकर, दूसरे दांत देखकर। दांत ऊपरी जबड़े में नहीं होते हैं, चार प्रकार के कृंतक दांत होते हैं, स्थाई और अस्थाई। स्थाई दांत आपको याद रखना है और उनकी समय सीमा भी आपको याद रखनी है जो मैंने यहां पर बताई, केंद्रीय कृंतक, मध्यवर्ती कृंतक, पार्श्विक कृंतक, कोण कृंतक। आगे बढ़ते हैं। देखिए गर्भ सारणी भी आपसे पशुओं की पूछी जाती है। गाय की जो है गर्भ सारणी वो क्या है बताइए? 280 दिन होती है, दिनों में दिया गया है ना। ये भी भैंस की जो गर्भावधि है तो वो गर्भावधि 310 दिनों की होती है। भेड़ की जो गर्भावधि है वो 150 दिन की होती है और बकरी की जो गर्भावधि है वो 151 दिन की होती है और सुअर की जो गर्भावधि होती है वो 114 दिन की होती है। कभी भी एग्जैक्ट डाटा नहीं होता, विकल्प के रूप में जब ये डाटा होता है तो 10 दिन का डिफरेंस लेके चलते हैं। जैसे यहां पे विकल्प में लिखा होगा 280 या तो 285, ऐसे लिखा होता है ना। कभी भी विकल्प में ऐसे नहीं होगा कि दो डाटा आपको एक की गर्भावधि से दो डाटा आपसे ऐसे पूछे जाए जो 10 दिन या 20 दिन के अंतर से कम हो। हमेशा जो अंतर होता है वो 50 दिन का होता है या 40 दिन का होता है, ऐसे अंतर पे आपसे पूछे जाते हैं ना। ये 310 से हम कह देंगे 320 होता है, ये 150 से हम कह देंगे 160 होता है, 151 से 160 होता है और 114 से 125 होता है, या हम इस सीमा को ले सकते हैं। और इस सीमा पे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, एक वैज्ञानिक सीमा है। अगर हम जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं तो लगभग अगर हम लोग देखें तो ये अगर दिन में हमसे पूछा गया है तो यही विकल्प है और ये प्रश्नों से मैंने विकल्प यहां पर आपके बनाए हैं, है ना। फिर भी हम प्लस माइनस 5 दिन का अंतर लेके यहां पर चलते हैं। तो यहां पर आपकी गर्भ सारणी जो है आपने यहां पर देखी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण डाटा जो आपका यहां पर होता है वो डाटा होता है कि पशुओं को होने वाले रोग कौन से हैं, है ना। तो देखिए पशुओं को होने वाले रोगों से पहले मैं एक चीज आपको यहां पर बताना चाहता हूं। आपके जो सुझाव हैं वो सीधे मुझे नहीं मिल पाते तो मैंने आपसे इससे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं कर सकता। तो फॉलो आप फेसबुक पर मुझे कैसे करेंगे? आपको देखिए रवि पी तिवारी, मेरे नाम से कई लोगों ने गलत जो है आइडिया बनाई हुई है, रवि पी तिवारी यहां पर आप करिए। आप फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजिए, फॉलो करिए। कोई भी आपकी समस्या हो, आप मुझसे कोई भी बात कहना चाहें, जीवन पर्यंत जब भी आपको जरूरत होगी इसी स्नेह के साथ मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आपसे फेसबुक पर जुड़ना चाहता हूं। आप सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं, आपका हालचाल मिलता रहे, आप वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए। आप फॉलो करिएगा। हाँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट की सीमा को मैं पार कर चुका हूं, मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी नहीं देख सकता। ये मेरी आईडी है रवि पी तिवारी, आप देख रहे होंगे, ठीक ठाक मैं दिखता हूं तो ठीक ठाक सी फोटो यहां पर दिख रही है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं, आपकी मोहब्बत है ना। आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो हम लोगों ने क्या कहा कि इसके बाद जो हमें देखना है वो हमें क्या देखना है बताइए? हमें देखना है कि प्रमुख रोग कौन कौन से हैं यहां पर, उसको हमें यहां पर देखना है। तो देखिए जो प्रमुख रोग होते हैं वो प्रमुख रोग के लिए ये मैंने एक पीडीएफ पेज बनवाया हुआ है, यहां पर मैं आपको समझाता हूं इन रोगों को आपको ध्यान रखना है। देखिए लिखा है तीन, देखिए सारणी के तीन भाग है। सबसे पहले रोग है, फिर कारक है किससे होता है, और फिर संभावित पशु है किस पशु में होता है। सबसे पहले देखिए खुरपका एवं मुहपका आपसे पूछा जाता है,
वायरस के कारण होता है ना, सभी पालतू पशुओं में होता है, नाखून से संबंधित रोग होता है, ये नाखून से संबंधित रोग है। दूसरा है आपका पोकनी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको दिखाई दे। दूसरा रोग जो है आपका वो क्या है बताइए, यहां पे पोकनी है ना, पोकनी जो रोग होता है आपका ये भी वायरस के कारण होता है, ये गाय भैंस भेड़ और सुअर में पाया जाता है। तीसरा जो रोग है वो है गलघोंटू, ये रोग जो आपका इंग्लिश में भी मैंने यहां पे नाम लिखा हुआ है, और ये भी देखिए आपका जीवाणु के कारण होता है, गाय एवं भैंस में ही ये रोग होता है। आपसे पूछा जाता है कि ये रोग किस पशु में होता है, गिल्टी रोग, गिल्टी रोग जीवाणु के कारण होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी और घोड़ा में ये रोग प्रमुख रूप से होता है। लंगड़ा बुखार, ब्लैक क्वार्टर जिसको हम लोग कहते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ये जीवाणु से होने वाला रोग है, ये गाय एवं भैंस में होता है। आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं, ये रोग किसके कारण होता है, जीवाणु पहला ऑप्शन रहेगा, जीवाणु दूसरा ऑप्शन रहेगा, वायरस तीसरा ऑप्शन रहेगा, दोनों चौथा ऑप्शन रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये भी याद रखना है ना। थनैला एक प्रमुख रोग है, जीवाणु के कारण होता है, सभी पालतू पशुओं के थन इससे प्रभावित होते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। निमोनिया हम सभी लोग जानते हैं, गाय भैंस बकरी भेड़ को प्रमुख रूप से निमोनिया होता है, ये भी जीवाणु से। चेचक हम लोग इसको भी जानते हैं, वायरस के कारण होता है, गाय भैंस बकरी एवं भेड़ में होता है। हाँ, मिल्क फीचर देखिए, ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, एक बार आपसे पीसीएस में भी ये पूछा जा चुका है, मिल्क फीचर जो है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है और केवल ये गाय में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क फीचर रोग किस में होता है, किस दुधारू पशु में, गाय में होता है, और किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। जौन रोग, जौन रोग जीवाणु में हो, जीवाणु के कारण होता है, गाय भैंस बकरी भेड़ व सूअर में ये रोग पाया जाता है। फिर देखिए सेप्रोलेग्रिया, सेप्रोलेग्रिया रोग कवक के कारण होता है, मछली में होता है ना। गिलराट, गिलराट जो रोग होता है वो भी कवक के कारण होता है, मछली में होता है, क्योंकि मत्स्य पालन में हम लोगों ने पढ़ा, उसको भी क्लियर कर ले। पंख एवं पूंछ सड़न रोग, ये जीवाणु के कारण होता है, मछली में, ये तीनों ही मछली से संबंधित रोग है, कवक, कवक और जीवाणु के कारण होते हैं। संक्रमण या गर्भपात, ये गाय भैंस बकरी सूअर में होता है जीवाणु के कारण। और अफारा रोग, दूषित आहार, फूड पॉइजनिंग जिसको हम कहते हैं, खराब खाना खाने से वो जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। तो ये पशुओं से संबंधित प्रमुख आपके रोग थे। तो आज के महत्वपूर्ण सेशन में हम लोगों ने देखिए क्या क्या यहां पर शुरुआत की थी। तो आज के महत्वपूर्ण सेशन की जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो हम लोगों ने शुरुआत की थी आपकी यहां से, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहां पर जब हमने शुरुआत की थी तो पशुपालन पढ़ा, डेयरी विकास पढ़ा, मत्स्य पालन पढ़ा, 20वीं पशुधन गणना, पशुधन विकास पढ़ा पूरा, गाय पालन पढ़ा, भैंस पालन पढ़ा, बकरी पालन पढ़ा, भेड़ पालन पढ़ा, इनकी प्रमुख नस्लें पढ़ी, इनकी गर्भावधि पढ़ी, सारणी पढ़ी, पशुओं के प्रमुख रोग पढ़े, उम्र ज्ञात करने की दोनों विधियां पढ़ी, और इसके बीच में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बने उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को पढ़ा। अगर हम इससे पिछले वाला एपिसोड और इस वाले एपिसोड को कंबाइंड कर लें तो लगभग 1.5 घंटे के एपिसोड में कृषि और पशुपालन से जितने प्रश्न आपके बनते हैं वो प्रश्न आपके यहां पर पूरे होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारे यहां प्रवेश ले चुके हैं, प्रवेश लाइंस हमारे यहां खुली हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्रक्रिया चल रही है, व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपको एंट्री लिख के भेजना है, और भी देखिए आप सभी तरह के नंबर चल रहे हैं। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पूरी तरह से प्रतिबद्ध है आपको सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने के लिए, हम लोग लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अच्छे से रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, शुरुआत में जिन चंद लाइनों से शुरू किया था उन चंद लाइनों को अपने जीवन में उतारना है, हमेशा मोटिवेट रहना है, कभी भी नकारात्मकता को अपने पास भटकने नहीं देना है, और दुनिया भर के जंजाल से, मैटर से हमें किसी परीक्षा में सफल होने की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु ये होती है कि हम उस परीक्षा का मर्ज पहले समझें। हम मान लीजिए फुटबॉल लेके एक ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं और हमने गोल पोस्ट बनाए नहीं, दिन भर खेलने के बाद आप शाम को केवल थकेंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिन भर फुटबॉल जब खेलेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको गोल कहाँ करना है। बिना गोल पोस्ट के फुटबॉल खेलना बहुत खतरनाक है, आप सफल नहीं होंगे बल्कि थक कर रोज घर लौटेंगे। तो पहले गोल पोस्ट बनाइए, पहले हर परीक्षा का अपना एक मर्ज समझिए,
उस मर्ज समझने के बाद उस परीक्षा की प्रवृत्ति क्या है, उस परीक्षा के हिसाब से कितना आपको पढ़ना है, उस परीक्षा की डिमांड क्या है उसको समझिए और सटीक तरीके से उतना ही पढ़िए। जैसे ग्रामीण विकास में मैंने प्रण किया है, वादा किया है कि आपका एक प्रश्न भी गलत नहीं होने दूंगा, तो मैं 25 में से 25 आपको सही कराऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खूब दूसरों की सहायता करें जितना आप लोग कर सकें। आसपास बहुत सारे लोग कोरोना काल में प्रभावित हो रहे हैं, आप देखिए कोई गरीब आपके पास हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नीडी हो, जिसके पास खाना नहीं हो, हम सब में मदद सब कर सकते हैं, है ना, थोड़ी बहुत मदद हम सब कर सकते हैं, मदद करने के माध्यम और तरीके भी हमें पता है। कोई भी मदद करें, जरूरी नहीं है कि हमें पैसे रुपये से भी मदद करना है, बहुत तरह की ऐसी मदद होती है, अगर हमारा मन हो, हमारा मनन हो, तो हम मदद कर सकते हैं। तो आसपास के लोगों की मदद करें, आने वाला 1-1.5 वर्ष बहुत कठिन है, लेकिन एक बात मैं आपको समझा दूं, CBSE ने डेट दे दी है, जुलाई के पहले सप्ताह से सभी परीक्षाएं होने लगेंगी। आप देख रहे हैं 69,000 की भर्ती हो रही है 7 दिन में ऑनलाइन, सभी परीक्षाओं की डेट आ रही है। अगर आपके मन में एक चीज ये बैठी हो कि परीक्षा इस वर्ष नहीं होगी, परीक्षा बहुत डिले होगी, इस बात को दिमाग से जरूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि जुलाई अगस्त में परीक्षाएं हो जाएंगी, फॉर्म निकलने के बाद आपको 1-1.5 महीने से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। तो देखिए, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट होता है जो फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करता है, और एक स्टूडेंट होता है जो पूरी तैयारी करने के बाद फॉर्म भरता है। जो फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करता है, अपवाद को छोड़ दीजिए, तो उसके सफलता की दर 1% होती है, लेकिन जो व्यक्ति पूरी तैयारी करने के बाद फॉर्म भरता है, 99% वही सूरवीर सफल होते हैं जो पूरी तैयारी परीक्षा का फॉर्म आने से पहले अपनी पूरी कर लेते हैं। तो ये वो समय है जिस समय बैठ के आपको इस 5200 पदों में से एक पद के लिए प्रयास करना है, और आप लिख लीजिए, परीक्षा बहुत ज्यादा डिले नहीं होगी, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं परीक्षा जल्दी होगी। बाकी नकारात्मक लोगों से दूर रहें, जैसे कई लोग कमेंट में लिखते हैं, अरे अभी तो 1.5-2 साल फॉर्म नहीं आ रहा है, वो पिछले 3 साल से यही लिख रहे हैं, उन्होंने इससे पहले जो 27 परीक्षाएं दी हैं उनमें उनका रिजल्ट निगेटिव है, ऐसी नकारात्मकता से दूर रहिए। आप अपने पथ को चुनिए और आप अपने पथ पर एक अच्छे मजबूत उसकी तरह, एक मजबूत व्यक्ति की तरह आप अपने पथ पर आगे बढ़िए, जहां पर सफलता आपको साफ साफ दिखे, और आपको तय करना है कि सफलता के रास्ते आपके लिए कौन है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, जल्द ही अगले एपिसोड के साथ फिर आपके सामने हूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्कार।